खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सोमवार को नोहर पहुंची। यहां बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया की नामांकन रैली में उन्होंने हिस्सा लिया है। उन्होंने जनसभा को संबोधित कर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चाहे पेपर लीक के मामले हो या युवाओं का भविष्य खराब करना हो या फिर भ्रष्टाचार के मामले हो, राजस्थान को नंबर वन कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। कांग्रेस की सरकार से हर वर्ग दुखी है। उन्होंने आमजन से अभिषेक मटोरिया के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। राजे ने किसान, मजदूर और व्यापारियों के मुद्दे उठाते हुए सरकार आने पर उनका निराकरण करवाने की बात कही। जनसभा में हजारों की संख्या में जनसमूह उपस्थित रहा। बेरोजगारी में पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो हमारे राजस्थान के अंदर। और हम क्या चाहते थे, इतने पोस्ट थे सरकार के अंदर कि अगर वो पोस्ट खुल जाते तो हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाती, तो उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे परिवार के माताएं और बुजुर्गण बैठे हुए हैं, सबका सपना एक ही है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी, हमारे घर के अंदर हमारी उसकी तनख्वाह भी आएगी, हमारा लड़का, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद करेगी। परंतु नहीं हुआ। 19 बार पेपर लीक हुए और मैं तो अभी आपको कहना चाहती हूँ कि वो सरकार बनती है तो वो सरकार को अपने कागज के अंदर लिख देना चाहिए कि ये हमारा पेपर का क्या इंतजाम होगा कि ऐसे काम अगले सरकार के अंदर कभी ना हो और हमारे बच्चों को आराम से उसमें से निकालने का एक रास्ता, एक तरीका हमको मिलेगा।